गुड मॉर्निंग। आई शेयर द स्क्रीन सो दिस इज द सम विच वी विल बी डूइंग टूडे। एक्स वाई एंटरप्राइजेस हैज अ ब्रांच। नाउ वी आर डूइंग द चैप्टर कॉल फॉरिन करेंसी कन्वर्जन। In foreign currency conversion, what happens is there is one head office and there is one branch. Now, branch as the name suggests will be a foreign branch. Foreign branch मतलब ये एक दूसरे country में situated है और इसका head office एक दूसरे company में, like multinational companies. तो जो ब्रांच है, जो फॉरेन ब्रांच है, ईयर एंड में अपना अकाउंट सबमिट करता है हेड ऑफिस को। तो हेड ऑफिस को वो सबमिट करता है ये जो क्वेश्चन में है, ट्रायल बैलेंस। तो ये ट्रायल बैलेंस देखो कौन से करेंसी में है, डॉलर में है। और हेड ऑफिस कहाँ सिचुएटेड है, लेट अस सी। एक्स वाई एंटरप्राइजेस हैज अ ब्रांच इन न्यूयॉर्क। एक्स वाई जो एंटरप्राइज है इसका इंडिया में हेड ऑफिस है और एक ब्रांच न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क ब्रांच ने अपना ट्रायल बैलेंस प्रेजेंट किया है हेड ऑफिस को। और ये हेड ऑफ ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले गिवन इज हेड ऑफिस अकाउंट। नाउ यू ऑल नो, आई अज्यूम यू ऑल नो दैट ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड मतलब या तो असेट होगा या तो एक्सपेंस होगा। ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड मतलब या तो लाइबिलिटी होगा या तो इनकम होगा। तो ये जो हेड ऑफिस अकाउंट है ये क्रेडिट साइड में, ये क्या है, ये वो पैसा है जो हेड ऑफिस ने लगा इन्वेस्ट किया है ब्रांच में। ब्रांच शुरू करने के लिए इतना पैसा, ब्रांच शुरू करने के लिए इतना पैसा हेड ऑफिस ने इन्वेस्ट किया है किसके ऊपर, ब्रांच के ऊपर। तो यहाँ पे देखो, तो इसका कन्वर्जन हमेशा क्वेश्चन में दिया रहता है। मतलब ये पैसा हेड ऑफिस को पता है, हेड ऑफिस क्योंकि इंडिया में है, उसने डॉलर्स में पे किया है ब्रांच को, तो उसको पता है वो डॉलर का रुपीस में कन्वर्जन रेट क्या है। तो ये हमेशा क्वेश्चन में दिया रहता है। इसके बाद देयर इज सेल्स। सेल्स मतलब इनकम है। और हम जब भी कन्वर्जन करेंगे ट्रायल बैलेंस को, तो हम लोग भी ट्रायल बैलेंस में जो है वो तो डॉलर है और हमें कन्वर्ट करना है रुपीस में। अब रुपीस और डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है वो तो रोज चेंज होता है, तो हम कैसे कन्वर्जन करें। कन्वर्जन करने के लिए हमारे पास तीन रेट है। एक जिसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग रेट, ओपनिंग रेट से हम ओपनिंग स्टॉक कन्वर्ट करते हैं। दूसरा जिसको हम बोलते हैं क्लोजिंग रेट, क्लोजिंग रेट से हम क्लोजिंग स्टॉक और बाकी असेट्स एंड लाइबिलिटीज कन्वर्ट करते हैं। और लास्ट वन है जिसको हम लोग बोलते हैं एवरेज रेट, जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं असेट्स और लाइबिलिटीज को। लेकिन अगर कोई फिक्स असेट का अलग से रेट दिया है तो हम वो रेट यूज करेंगे कन्वर्जन के लिए। अगर फिक्स सेट का अलग रेट नहीं दिया तो क्योंकि फिक्स सेट असेट है हम क्लोजिंग रेट यूज करेंगे। ये तुम लोग टॉप में कहीं लिख के रखो बुक में, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग रेट, क्लोजिंग स्टॉक अदर असेट्स एंड लाइबिलिटीज क्लोजिंग रेट, इनकम एंड एक्सपेंसेस एवरेज रेट, और अगर कोई फिक्स सेट को अलग रेट दिया है तो वो रेट, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक रेट। तो यहाँ पे सेल्स इज इनकम, तो इनकम मतलब एवरेज रेट। सेम वे गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, कभी भी कुछ तरह से क्या होता है, ब्रांचेस जो गुड्स यूज करती है वो हेड ऑफिस ही सप्लाई करता है उनको। तो इसका कन्वर्जन तो हेड ऑफिस को ऑलरेडी पता होगा कि पूरे साल में ब्रांच को कितने रुपीस का गुड्स गया है, तो इसका कन्वर्जन भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। नेक्स्ट, स्टॉक ऑन 1st अप्रैल, ये जो ट्रायल बैलेंस है ये 31st मार्च का है, तो 31st मार्च 2013, तो 1st अप्रैल 2012 जो है ये ओपनिंग स्टॉक है। तो ओपनिंग स्टॉक को हम क्या करते हैं, ओपनिंग रेट से कन्वर्जन करते हैं। ओपनिंग स्टॉक को हम क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक से कन्वर्जन करते हैं। नेक्स्ट वन, फर्नीचर। फर्नीचर के लिए अगर अलग रेट दिया है तो वो नहीं, तो फर्नीचर असेट है और असेट के लिए कौन सा रेट यूज करते हैं हम,
असेट और लाइबिलिटीज के लिए क्लोजिंग रेट, कैश इन बॉक्स कैश भी असेट है क्लोजिंग रेट, बैंक बैलेंस भी असेट है क्लोजिंग रेट, सैलरीज एक्सपेंस है, इनकम और एक्सपेंस के लिए हम एवरेज रेट यूज करते हैं, रेंट जो है रेंट एक्सपेंस है तो एवरेज रेट, इंश्योरेंस एक्सपेंस है तो एवरेज रेट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी है असेट और लाइबिलिटीज के लिए क्लोजिंग रेट, सेम वे डेटर्स असेट है असेट के लिए क्लोजिंग रेट। नाउ लेट अस मूव अहेड, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, द ब्रांच अकाउंट इन हेड ऑफिस, द ब्रांच अकाउंट इन हेड ऑफिस, हेड ऑफिस के बुक में जो ब्रांच अकाउंट है उसका कन्वर्जन देखो दिया है 2,14,500, तो ये यहाँ पे क्रेडिट है ब्रांच के बुक में, इट इज क्रेडिट, बट हेड ऑफिस के बुक में इट इज डेबिट, मतलब हेड ऑफिस जो है वो इन्वेस्टमेंट करता है और ब्रांच जो है उसके लिए ये हेड ऑफिस से जो पैसा आ रहा है वो कैपिटल है, कैपिटल लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस और इन्वेस्टमेंट असेट डेबिट बैलेंस, तो ये डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस में कंफ्यूज मत होना, क्रेडिट साइड में है तो हमें क्रेडिट में ही लिखना पड़ेगा 2,14,500। एंड गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रांच ने कितना गुड्स ब्रांच को सेंड किया हेड ऑफिस ने, क्रेडिट बैलेंस 13,12,500 रुपीज में, और यहाँ पे गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस डेबिट में है क्योंकि ब्रांच खरीद रहा है परचेस कर रहा है, परचेस मतलब एक्सपेंसेस डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और हेड ऑफिस जो है वो ब्रांच को गुड्स बेच रहा है सेल कर रहा है, इसलिए हेड ऑफिस के बुक में ये क्रेडिट बैलेंस है 13,12,500, ये 44,000 डॉलर का कन्वर्जन है 13,12,500। फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है, एडजस्टमेंट है 10% का, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 31 मार्च का 7,500, क्लोजिंग स्टॉक को हम कन्वर्ट करते क्लोजिंग रेट से, इसके बाद एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक तो दो जगह में आएगा, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट दूसरा असेट साइड में। नेक्स्ट वन, फर्नीचर के लिए स्पेसिफिक रेट दिया है $1 इज इक्वल टू 20 रुपीज, तो फर्नीचर का कन्वर्जन जो है वो इसी से होगा, ये वाले रेट से होगा। इसके अलावा दे हैव गिवन ऑन 1/4/2012 ओपनिंग डे ऑफ द बैलेंस शीट 28, $1 इज इक्वल टू 28 रुपीज, ये ओपनिंग रेट है। 31 मार्च 2013 ये क्लोजिंग डेट है, क्लोजिंग रेट है $1 इज इक्वल टू 30, और एवरेज रेट दिया है $1 इज इक्वल टू 29। तो हमें क्या करना है, हमें कन्वर्ट, हमें ट्रायल बैलेंस फाइंड आउट करके कन्वर्ट करना है ट्रायल बैलेंस को इनटू रुपीस, और हमें क्या करना है, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। तो सॉल्यूशन में आ जाते हैं, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस हम पहले ट्रायल बैलेंस करेंगे, उसके बाद हम फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो इसके लिए लेट अस कम टू द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस है तो सबसे पहले क्या दिया है, हेड ऑफिस अकाउंट, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेड ऑफिस अकाउंट। हेड ऑफिस अकाउंट का कन्वर्जन हमेशा क्या रहता है, गिवन रहता है, तो क्या गिवन है, देखो क्या रेट दिया है हेड ऑफिस का, हम क्वेश्चन में गए तो हेड ऑफिस का रेट दिया है क्या 2,14,500, तो यहाँ पे लिखेंगे 2,14,500। हेड ऑफिस के बाद क्या है क्वेश्चन में देखो, हेड ऑफिस के बाद सेल्स है और सेल्स दिया है 61,000। अब सेल्स जो है टेक योर कैलसी, सेल्स इज अ इनकम और इनकम के लिए हम हमेशा लेते हैं एवरेज रेट, इनकम के लिए हम लेते हैं एवरेज रेट, और एवरेज रेट कितना है, एवरेज रेट है 29। तो एवरेज रेट जो है वो निकालने के लिए लेट अस गो टू द वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में जाते हैं और वर्किंग नोट में
क्या बोला गया है कि वर्किंग नोट में बोला गया है 1 डॉलर जो है, 1 सेंट, $1 इक्वल टू, $1 इज इक्वल टू हाउ मच, 29। तो यहाँ पे हमें डॉलर पता है कि हाउ मच डॉलर इज सेल्स, सेल्स है कितना, सेल्स है 61,000 डॉलर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 61,000 डॉलर पता है, तो हाउ मच विल बी इक्वल टू हाउ मच क्वेश्चन मार्क। तो अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अगर 1 डॉलर यहाँ पे, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 61,000 को। क्या करेंगे, 61,000 को, सॉरी 61,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 29 से। तो क्या आंसर आता है, देखो चेक करो, कैलसी लो, 20, 61,000 इंटू 29, हमें आंसर आता है 17,69,000। सबको यही आंसर आया, कैलसी देखो, 17,69,000, क्योंकि सेल्स क्रेडिट है तो हमने क्रेडिट साइड में लिखा, इनकम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। मतलब हर बार हमें क्या करना है, रेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो सेल्स के बाद है गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, तो गुड्स फ्रॉम एचओ हेड ऑफिस, ये भी हमेशा क्या रहता है, क्वेश्चन में गिवन रहता है। तो ये कितना गिवन दिया है, देखो क्वेश्चन में हाउ मच इज दिस गिवन, गुड्स सेंट टू ब्रांच दे सेल्स हाउ मच, 13,12,500। तो यहाँ पे ब्रांच के बुक में तो ये क्या है, परचेस है, 13,12,500, यही है 13,12,500। इसके बाद क्या नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, देखो इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक के लिए हमें ओपनिंग रेट देखना पड़ेगा। ओपनिंग रेट कितना है, ओपनिंग रेट है 28, तो ओपनिंग रेट है 1 मिनट कहाँ गया, ओपनिंग रेट है 28, तो यहाँ पे लिखेंगे 28। जरा देखो ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू है 8,500। तो मल्टीप्लाई करो 8,500 को 8,500 इंटू 28, कितना होता है, 2,38,000 ही होता है ओपनिंग स्टॉक, होता है 2,38,000।
ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या है हमारे पास? देखो क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक के बाद है फर्नीचर। तो फर्नीचर कितना है? फर्नीचर का स्पेसिफिक रेट दिया है 20 रुपीज। यस, तो हमें वही लेना पड़ेगा। फर्नीचर का रेट दिया है 20। तो फर्नीचर का अमाउंट क्या है पहले वो देखते। फर्नीचर का अमाउंट है 9,000। तो 9,000 इंटू 20 विल कम टू 1 लाख। 1 लाख 1,80,000। सेम वे आफ्टर फर्नीचर नेक्स्ट क्या है? आफ्टर फर्नीचर नेक्स्ट इस इसका रेट ये 20, ये क्या है गिवन। इसके बाद नेक्स्ट है कैश। कैश असेट है। और असेट का रेट, असेट मतलब क्लोजिंग रेट लेते, असेट क्लोजिंग रेट है। तो कैश का बैलेंस कितना है डॉलर्स में? 250। और रेट है 30। तो 250 × 30 कितना होता है? 250 × 30 होता है 7,500। तो लिखेंगे 7,500। नेक्स्ट वन, आफ्टर कैश वी हैव बैंक। बैंक का रेट क्या दिया हुआ है? बैंक का रेट दिया हुआ है 1,250 डॉलर्स में। और हम लोग बैंक को कौन से रेट से करते हैं? बैंक इस असेट, असेट के लिए हम क्लोजिंग रेट लेते हैं। तो क्लोजिंग रेट है 30। तो सेम वे 30 जो है बैंक इस 30। और 30 × 1,250 इज इक्वल टू 37,500। बैंक के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट वन? सैलरीज। सैलरीज है, रेंट है। सैलरी का अमाउंट दिया है 2,800। तो हम जाएंगे इधर लिखेंगे सैलरीज। सैलरीज है हाउ मच? सैलरी अगेन 29। सैलरी से एक्सपेंस, एक्सपेंस और इनकम के लिए एवरेज रेट। और सैलरी का अमाउंट कितना है? 2,800। तो 2,800 × 29 होता है 81,200। तो यहाँ पे लिखेंगे 81,200। तो आज जो हमारे पे है उधर इधर पे है कोई 81,000, म्यूट योर ऑडियो। 81,200। मिल जाएगा ना इधर, ये अगर पांचवा माले पे। अच्छा81,200 इज सैलरीज। सैलरीज के बाद वी हैव रेंट। रेंट इज हाउ मच? 1,200। सो यहाँ पे जाएंगे रेंट। रेंट अगेन इज अ एक्सपेंस। तो 29 × 1,200 ना होता है, रेंट है 1,200। तो 29 × 1,200
इज 34,800, यहाँ पे लिखेंगे 34,800 रेंट के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट आइटम, इंश्योरेंस 150, तो इंश्योरेंस लिखेंगे यहाँ पे, इंश्योरेंस भी एक्सपेंस है और एक्सपेंस के लिए हम लेते हैं एवरेज रेट, और इंश्योरेंस है हाउ मच, 150, इंश्योरेंस का अमाउंट है 150, तो 150 इंटू 29 कितना अमाउंट होता है, होता है 4,350 आफ्टर इंश्योरेंस. What is the next thing given in the question? Outstanding expense. तो outstanding expense जो है, outstanding expenses जो है वो asset है, और asset का rate है closing rate है 30, तो outstanding expenses है 800, so 800 into 30 हमें आ जाएगा 24,000, लेकिन क्योंकि ये असेट है तो हम असेट नहीं, लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो हमने क्रेडिट साइड में लिखा. लास्ट वन इज डेटर्स. डेटर्स इज ऑल्सो असेट, और असेट एंड लाइबिलिटी दोनों के लिए हम क्लोजिंग बैलेंस लेते हैं, और डेटर है 3,150 इंटू 30 which is equal to 94,500. इसके साथ what happens, हमारा पूरा ट्रायल बैलेंस तो कन्वर्ट हो गया, अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों साइड का टोटल निकालेंगे और देखेंगे कौन सा साइड का अमाउंट ज्यादा है. तो एक जगह 2,14,500, 17,69,000 प्लस 24,000. हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ क्रेडिट साइड कमिंग, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 20,07,500. ये आ गया क्रेडिट साइड. अब डेबिट साइड का टोटल देखना पड़ेगा, देखते हैं दोनों टैली हो रहे हैं क्या, किधर कौन से साइड में डिफरेंस है. 13,12,500, 2,38,000 प्लस 1,80,000 प्लस 7,500 प्लस 37,500 प्लस 81,200 प्लस 34,800 प्लस 4,350 प्लस 94,500, ये आ रहा है 19,90,350. That suggests that our credit side is heavy. तो credit side का total हम दोनों साइड में लिखेंगे, और कम वाला साइड जो है 19,90,350 वो माइनस करेंगे 2,07,500 से, तो हमें आंसर आएगा. नहीं तो हम लोग जो अमाउंट है इधर लिख सकते हैं कि क्या अमाउंट है ये, जैसे टेक्स्ट बुक में किया गया, ये साइड का टोटल है 19,90,350. इसके बाद एक और लाइन, जो हायर वाला साइड है उसका टोटल हमने दोनों जगह पे लिखा 500. कौन सा साइड हैवी है, क्रेडिट साइड वी कैन सी इज हैवी, तो डिफरेंस जो है वो डेबिट में आएगा, वो कितने का है माइनस करो, डिफरेंस है 17,150 का. इसको बोलेंगे एक्सचेंज रेट डिफरेंस. ये कहाँ पे आएगा, ये प्रॉफिट
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। ये बैलेंसिंग फिगर है, कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हमारा कन्वर्टर ट्रायल बैलेंस तो बन गया, अब हमें क्या करना है? हमें ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो बैलेंस शीट को देख के ही आगे बढ़ना, आई मीन ट्रायल बैलेंस हो गया तो अभी सिर्फ उसको देख के हमें पोस्टिंग करना है। तो सबसे पहले हमारे ट्रायल बैलेंस में हेड ऑफिस अकाउंट, हेड ऑफिस अकाउंट कम्स इन द बैलेंस शीट। तो यहाँ लिखेंगे हेड ऑफिस अकाउंट। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हेड ऑफिस? 2,14,500। इनर कॉलम में लिखा 2,14,500। इसके बाद हमारे पास सेल्स है, सेल्स तो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, तो इधर लिखेंगे बाय सेल्स। हाउ मच इज द अमाउंट? लेट अस सी, इट इज 17,69,000। तो इधर लिखेंगे 17,69,000। कोई सेल्स रिटर्न कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अब इसके बाद 7,69,000 के बाद है गुड्स फ्रॉम एचओ। दिस इज नथिंग बट परचेस मेड बाय द एचओ। तो हम लोग क्या जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, पहले तो होता है टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक के नीचे टू परचेसेस लिखते हैं ना, टू गुड्स फ्रॉम एच ओ। और कितना अमाउंट है वो गुड्स का? वो गुड्स का अमाउंट है 13,12,500। यहाँ लिखेंगे 13,12,500। तो इसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग गिवन इन द क्वेश्चन? इट इज ओपनिंग स्टॉक 2,38,000। तो यहाँ लिखेंगे 2,38,000। इसके बाद हमारे पास है ओपनिंग स्टॉक के बाद हमारे पास है फर्नीचर। फर्नीचर में एडजस्टमेंट भी है। फर्नीचर में देखो, हमने देखा 10% डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट है, तो फर्नीचर भी इनर कॉलम में आएगा। तो यहाँ लिखेंगे फर्नीचर, फर्नीचर, फर्नीचर इन द इनर कॉलम वी विल राइट व्हाट इज द अमाउंट? 1,80,000। सो इनर कॉलम में रखेंगे 1,80,000। इसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट वन गिवन आफ्टर फर्नीचर? इट इज कैश। कैश का बैलेंस कितना है हमारे? 7,500 बैलेंस है, हमें जस्ट पोस्टिंग करना है। तो फर्नीचर के बाद कैश जो है एक लाइन छोड़ के, इट विल कम इन बैलेंस शीट ओनली 7,500। कैश के बाद बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस भी इधर ही आता है। बैंक बैलेंस का अमाउंट कितना है? ट्रायल बैलेंस में जाके देखेंगे 37,500। तो यहाँ लिखेंगे 37,500। अब इसके बाद आफ्टर बैंक बैलेंस हमारे पास क्या है? हमारे पास एक्सपेंसेस है, सैलरीज, रेंट, इंश्योरेंस। ये तीनों के तीनों कहाँ पे आते हैं? ये तीनों के तीनों पीएनएल अकाउंट में आते हैं। तो टू सैलरीज, टू रेंट, टू इंश्योरेंस, मैंने एक साथ लिख लिया क्योंकि अब इसका अमाउंट हमें तीनों पीएनएल अकाउंट में आता है। इसका अमाउंट क्या है? सैलरी 81,200। यहाँ पे लिखेंगे 81,200 सैलरी के बाद हमारे पास है रेंट 34,800। तो 34,800 रेंट के बाद है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस है 4,350 इंश्योरेंस है 4,350। फिर हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, वो तो लाइबिलिटी है।
सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, हाउ मच इज द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 24,000, तो यहाँ लिखेंगे 24,000, फिर लास्ट में दिया हुआ है डेटर्स, डेटर्स का अमाउंट क्या दिया है ट्रायल बैलेंस में देखो, डेटर का अमाउंट दिया है 94,500, तो लिखेंगे 94,500, इसके बाद 94,500, ये लिखने के बाद एक ही चीज बचता है वो है एक्सचेंज रेट डिफरेंस, ये पीएनएल अकाउंट के कौन से साइड में, डेबिट साइड में, तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे एक्सचेंज रेट डिफरेंस इधर लिख, अगर पीएनएल के क्रेडिट साइड में रहता तो क्रेडिट साइड में लिखते एक्सचेंज रेट डिफरेंस, एक्सचेंज रेट डिफरेंस अमाउंट क्या आया है 17,150, यही अमाउंट है, एक बार क्रॉस चेक करते 17,150, ट्रायल बैलेंस का सारा पोस्टिंग हो गया। अब एडजस्टमेंट में जाते हैं, एडजस्टमेंट में सबसे पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट क्या बोलता है यहाँ पे देखो, क्लोजिंग स्टॉक है $7,500, तो यहाँ पे हमें तो डॉलर्स में नहीं चाहिए, तो यहाँ पे 7,500 इनटू क्लोजिंग रेट कितना है 30, सो 7,500 को क्लोजिंग रेट से मल्टीप्लाई करो, 7,500 इंटू 30, ये आंसर आएगा 2,25,000, क्लोजिंग स्टॉक एक और जगह में आता है, इधर आता है क्लोजिंग स्टॉक का दूसरा एंट्री बैलेंस शीट असेट साइड में, तो इधर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक और अमाउंट क्या है 2,25,000। एक और एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन का, तो डेप्रिसिएशन 10% है, तो लेस डेप्रिसिएशन कितना, 10% कितना होता है 1,80,000 का 18,000, तो माइनस करके कितना आएगा 1,80,000 माइनस 18,000 It becomes 1,62,000। अब देखो यहाँ पे देखो डेट फर्नीचर कब खरीदा गया ये कुछ नहीं बोला है, तो ये बोला है कि डेप्रिसिएशन निकालो फर्नीचर दिया हुआ है, फर्नीचर वॉज परचेज इन 2013 बट कौन सा डेट कुछ नहीं बोला है, सिर्फ 10% डेप्रिसिएशन निकालने बोला है, तो हमने पूरे साल का 10% निकाला। अब डेप्रिसिएशन का एक और इफेक्ट आता है, वो कहाँ आता है पीएनएल अकाउंट में, तो इधर लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन, हाउ मच इज द अमाउंट 1,818,000, तो ये हो गया पूरा एडजस्टमेंट्स हो गया। अब हमें क्या करना है, अभी हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, हमें टैली करना है, तो क्रेडिट साइड में है 17,69,000 प्लस 2,25,000, हमें आंसर आएगा 19,94,000, और वही इधर भी लिखेंगे 19 लाख, तुम लोग आई गेस तुम लोग सबको ये तो आता है बैलेंसिंग करना 94,000, तो इसके बाद लेट अस सी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, तो 13,12,500 माइनस किया तो और 2,38,000 माइनस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है 4,43,500, इसको बोलेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन, तो इसके बाद टू का नेक्स्ट इफेक्ट रहेगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट
बॉट डाउन, बाई ग्रॉस प्रॉफिट बॉट डाउन, तो सेम अमाउंट यहाँ आएगा 4,43,500। तो नेक्स्ट वन देखते हैं नेट प्रॉफिट क्या है, 4,43,500, सेम अमाउंट इधर भी लिखा 4,43,500। अब लेट अस सी व्हाट इज द नेट प्रॉफिट, इससे 81,000 माइनस किया 81,200, फिर 34,800 माइनस किया, फिर 4,350 माइनस किया, फिर 15,150 माइनस किया, फिर 18,000 माइनस किया, तो आंसर आता है 2,88,000 आंसर आता है। इसको बोलते टू नेट प्रॉफिट कैरीड डाउन। अब ये नेट प्रॉफिट कहाँ कैरी डाउन हो जाएगा, मतलब ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। नेट प्रॉफिट कितना अमाउंट है, 2,88,000, तो दोनों को ऐड करो कितना आता है, 2,88,000 प्लस 2,14,500 विच इज 5,02,500। तो दोनों को अभी ऐड करेंगे तो देखते बैलेंस शीट हमारा टैली हो रहा है क्या, 5,02,500 प्लस 24,000 आंसर होता है 5,26,500। लेट अस चेक द असेट साइड वेदर वी आर गेटिंग द सेम आंसर, 1,62,000 प्लस 7,500 प्लस 37,500 प्लस 94,500 प्लस 2,25,000, you will get the same answer 5,26,500. With this our sum is done. ऐसे करना है आपको ये sum, ऐसे जाके हमें ये sum करना है। देखिए आपको समझ में आया है कि नहीं,